तेलंगाना के फैसले पर आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक से फैसले। आंध्र प्रदेश के सीएम किरण कुमार रेड्डी सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। शाम को जो बैठक होगी उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी, डिप्टी सीएम दामोदर राजनर सिम्हा और प्रदेश कांग्रेस के सत्यनारायण भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंह तेलंगाना मसले पर अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुके हैं। दिग्विजय ने कहा है कि इस मसले पर आखिरी फैसला केंद्र की यूपीए सरकार को लेना है। तो अहम दिन तेलंगाना के गठन को लेकर क्या वाकई तेलंगाना एक अलग राज्य कार्व आउट होगा आंध्र प्रदेश से या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका क्या रोड मैप रहने वाला है, कितने जिलों को किस तरह से विभाजित किया जाएगा, बड़े सवाल हैं। जबकि आंध्र की लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टी जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनका मानना है, जो पार्टीज हैं वहां पर उनका मानना है कि तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। दिग्विजय सिंह अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, जानना चाहेंगे आपसे कि किरण कुमार रेड्डी वहां पर पहुंचे हैं, राज्य के आला नेता वहां पर पहुंचे हैं, तो आखिरकार अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो क्या माना जाए कि आज रोड मैप को लेकर डिस्कशन होगा कि कब कहां कैसे बंटवारा करना है, विभाजन करना है, या अभी भी तलवार लटक रही है? आंचल मामला अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन आज कांग्रेस कोर की बैठक है शाम 5:30 पर। उसके पहले राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ गई है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे किरण कुमार रेड्डी, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश। उन्होंने मिलकर अपनी रिपोर्ट दे दी है। सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, ये दोनों खिलाफ हैं। इन लोगों ने अपनी तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष को यह बता दिया है कि अगर अलग तेलंगाना दिया गया तो बाकी यूनाइटेड आंध्रा में दिक्कत आएगी, रायलसीमा और कोस्टल जो इलाका है उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेलंगाना से आते हैं, वो तेलंगाना के समर्थक हैं, आज कांग्रेस कोर ग्रुप में मौजूद रहेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। जो तेलंगाना समर्थक उन लोगों ने भी डेरा जमा लिया है। हनुमंत राव जो कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनके घर पर उनके यहाँ जमावा लगा हुआ है और इनकी मांग है कि अब लटकाने से कांग्रेस को नुकसान होगा। 15 सीटें आती हैं तेलंगाना से, वहां अगर अलग तेलंगाना नहीं दिया गया तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। आंध्रा में नुकसान जगनमोहन रेड्डी की वजह से हो ही रहा है। बिल्कुल, 40 सीटें हैं और लोकसभा चुनाव पर नजर है। ऐसे में अगर तेलंगाना राज्य की मांग हर हलके से उठ रही है वहां पर, तो भारी नुकसान का सामना राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को और यूपीए को सफर करना पड़ सकता है। मिथिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, हम फिर से आपके पास लौटेंगे।